हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं GKGS का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी GKGS की तैयारी अच्छी है। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपका जितना भी स्कोर बने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो वो गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। सेकेंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा, ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है आपका वो है बौद्ध धर्म। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसे कहते हैं कौन सी प्रथा। 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कहलाती है कौन सी प्रथा? रैयतवाड़ी प्रथा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था कहाँ से? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए थे महात्मा गांधी ने 1930 में? अगर डेट पूछे तो 12 मार्च याद रखना है आपको। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ किए थे वो किए थे दांडी से। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आश्रम पूछा जाता है तो साबरमती आश्रम याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? 7 का जवाब देंगे, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किए थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे इलंगो। कौन थे? इलंगो। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मूल देश का यात्री यानी कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो ये आए थे मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे यात्री इब्न बतूता। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक तो ये इब्न बतूता यात्री हो गए, एक वेनसोंग बहुत पूछे जाते हैं जो कि चीनी यात्री थे। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है, और फहान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, ठीक है। मुमताज महल का असली नाम क्या था, मुमताज महल का असली नाम क्या था, 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा करता है, 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो झारखंड से नहीं करता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। किन किन राज्यों से जो है बांग्लादेश अपनी सीमा राज कर सक मतलब साझा करता है भारतीय राज्यों से, तो असम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है, 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वो रखा गया है बटाले गला, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है, 4 मिनट का, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, 14 का जवाब देंगे सभी लोग। तो इसमें देखिए मूंगफली जो है आपकी ये रबी की फसल नहीं, ये खरीफ की फसल है, ठीक है, जबकि आपका जौ हो गया, गेहूं हो गया, सरसों, मसूर, चना, ये सब क्या है, रबी की फसलें होती है, ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, ये आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं 3 देशों के साथ लगती हैं, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है, इन 3 देशों की सीमाओं से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा, ठीक है। चलिए, भारत में 1 रुपये के नोट और तथा जो है सिक्के, छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, RBI के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या SBI के द्वारा या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वारा, ये जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ पे, तो वर्ष 1960 में जो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी पंतनगर में हुई थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और ये पंतनगर है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, अपनी प्रेजेंटी लगा दिया करें लाइक करके, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें आप लोग, और इस वीडियो को शेयर करके जरूर जाया करें अपने स्टडी ग्रुप में, ठीक है। चलिए, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो विनिवेश आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे GV रामकृष्ण थे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है, कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है, आपको बताना है, 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा, ये योजना शुरू कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, शुरू हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अंबेडकर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया,
सोनाडा सिंह रिपोर्ट पर, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, किसमें जो है विधानसभा नहीं है। तो इसमें देखिए पुदुचेरी हो गया, गोवा हो गया, दिल्ली, इनमें सब विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में जो है विधानसभा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, आर्टिकल 368 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशी फाइबर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाई स्कूल में आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ये क्वेश्चन को। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, जनरल साइंस की क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया था, तो एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेरी बेरी किसी कमी के कारण होता है, विटामिन B1, ठीक है। चलिए, समानता निषेचन होता है किसमें, डिंब वाहिनी नली में होता है समानता निषेचन, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो, तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और चैनल से आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।